हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ बैजू में। देखिए, आज की क्लास में उत्सर्जन तंत्र की जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका घटना चक्र का है। ठीक है, और ये घटना चक्र में बायोलॉजी में जो दिया हुआ है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो आज हम आपको लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर वन देखिए। प्रश्न नंबर वन है कि अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। ठीक है, तो अल्कोहल के निरावेशन के लिए जो है सो उत्तरदायी हो जाएगा आपका अकृत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य जो है सो कितना पेशाब करता है, तो 1.5 लीटर जो है सो स्वस्थ मनुष्य जो है सो पेशाब करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, और पेशाब का जो है सो पीएच मान कितना होता है, पेशाब का पीएच मान जो है सो 6 होता है। ठीक है, और ये जो है सो पीले रंग का होता है। ठीक है, ये पीले रंग का होता है, और पीले रंग होने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें जो है सो एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम है यूरोक्रोम। ठीक है, उस वर्णक का नाम है यूरोक्रोम। ठीक है, और यूरोक्रोम जो है सो कैसे बनता है, तो यूरोक्रोम जो है सो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से जो है सो यूरोक्रोम बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर प्रश्न देखिए क्या है। थर्ड नंबर प्रश्न में मानव वीर के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया है, उस पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कहता है, एक नंबर कथन कहता है, वीर में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वीरकीय धमनी से वापस जाता है। ठीक है, जाता है, सही है। दूसरा कथन है, बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है, तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। ठीक है, ये भी आपका जो है सो सही है। इस तरह से आपका जो है सो ऑप्शन नंबर जो है सो सी जो है सो सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट देखिए, चार नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। खून का जो शुद्धिकरण प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, उसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांच में कहता है, निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो सही क्या है इसमें, इसका ये जो है सो शरीर सही आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। दूसरा में दिया है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। तीसरा दिया है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और चौथा दिया है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा, सारा रक्त जो है सो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिक्स नंबर कहता है, डायलिसिस किससे संबंधित है, डायलिसिस किससे संबंधित है। तो डायलिसिस को हिंदी में कहा जाता है अपोहन। ठीक है, और डायलिसिस जो है सो यहाँ पे आपका वृक्क से संबंधित होगा। ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, आंखें से संबंधित नहीं है, अकृत से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सात नंबर प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। ठीक है, यूरिया को कौन अलग करता है रक्त से। ठीक है, तो ये रक्त से अलग करता है आपका जो है सो गुर्दा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन दिया है, जिसे गुर्दा को कहा जाता है किडनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए आठ नंबर प्रश्न में है, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। तो देखिए, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, न्यूट्रिशन दिया है, ट्रांसपोर्टेशन दिया है, एक्सक्रीशन दिया है, रेस्पिरेशन दिया है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सक्रीशन। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के लिए। ठीक है, और रुधिर को ये क्या करता है, रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम करता है गुर्दा। ठीक है, गुर्दा का काम है कि रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक
और अपशिष्ट पदार्थ है उसे हटाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नाइन नंबर प्रश्न है आपका। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, 1 मिनट में जो है सो कितना रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका सही ऑप्शन आपका है 1200 सीसी। ठीक है, 1200 सीसी जो है सो प्रवाह होता है। ठीक है, और इससे संबंधित क्या दिया हुआ, देखिए इसमें क्या दिया है, मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता, 1 दिन में लगभग 1500 लीटर शुद्ध करता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है, 1.5 लीटर जो पहले हम बताए थे आपको कि पेशाब होता है, वही जो है सो 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील हो जाता है। और क्या है कि वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है अपोहक। ठीक है, अपोहक तो क्या है, ये आपका जो है सो वृक्क से संबंधित है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर ले देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? ठीक है, मान लीजिए वृक्क काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा? देखिए शरीर में, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है शरीर में वसा, 2 में दिया है प्रोटीन, 3 में दिया शर्करा और 4 में दिया है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? कौन सा सामान्य कार्य नहीं है? देखिए 1 नंबर ऑप्शन में दिया है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, 2 में दिया है शर्करा की मात्रा का नियंत्रण और 3 में दिया है यूरिया को छान कर बाहर करना और 4 में दिया है कई हार्मोनों का श्रावण करना। तो देखिए ये आपका जो 2 नंबर ऑप्शन है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये जो है सो आपका जो है सो कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये गुर्दे का काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर है, मानव वृक्क अस्मरी, ठीक है अस्मरी मतलब अस्टोन, ठीक है, में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। ठीक है, जो अस्टोन बन जाता है, पथरी बन जाता है, उसमें जो है सो क्या होता है, क्या पाया जाता है? तो उसमें जो है सो पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, पथरी जो है सो क्या चीज़ का बना रहता है? तो पथरी जो है सो कैल्शियम ऑक्जिलेट, वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? ठीक है, दिया है ऑप्शन कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। तो इसका सही आंसर आपका है कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, चलिए इतना ही प्रश्न जो है सो आपका इस चैप्टर से दिया हुआ है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से आपका उतना ही प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, तो आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी जो है सो इसका हेल्प मिल जाए। घटना चक्र बायोलॉजी का चल रहा है वीडियो, ठीक है, तो आप दूसरे को भी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल जाए। ठीक है, चलिए और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, चलिए तंत्रिका तंत्र देखते हैं। ठीक है, एक प्रश्न है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि मानव में सबसे बड़ा जो है सो सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सा है? ठीक है, आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि मानव की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सा कहलाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 में आते हैं। ठीक है, थ्योरी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 में देखिए। ठीक है, चलिए दिख रहा है ना, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न है आपका, कशेरुक रज्जू में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? ठीक है, कितनी जोड़ियां, कितनी
किससे? कशेरुक रज्जु से। तो कशेरुक रज्जु से 31 जोड़ियां जो है सो निकलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें आपका क्रेनियल तंत्रिका ऐसे, जिसे हम लोग कहते हैं कपालिए, कपालिए अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं, तो मस्तिष्क से जो जुड़ी रहती है, ये कितना जोड़ी होती है? ये संख्या होती है 12 जोड़ी, ठीक है। 12 जोड़ी होती है क्रेनियल तंत्रिकाएं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 2 कहता है, मस्तिष्क जिम्मेदार है क्या चीज़ के? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, और लास्ट ऑप्शन दिया है उपयुक्त तीनों के लिए। तो ये सारे के लिए जो है सो मस्तिष्क जो है सो जिम्मेदार होता है, ठीक है। हृदय की गति के लिए भी होता है, सोचने के लिए भी होता है, शरीर के संतुलन के लिए भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 में है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है सो होता है क्या चीज़, जानते हैं? ये आपका होता है जैसे कि पैर वगैरह में कहीं कांटा वगैरह लगता है, तो तुरंत जो है सो हम लोग हटाने लगते हैं, अनुभव होने लगता है, वही है कहलाता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण जो है सो केंद्र होता है कशेरुक रज्जु में, कशेरुक रज्जु में। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? कौन सा महसूस नहीं करेगा, ठीक है। पहला दिया है त्वचा, दूसरा दिया है मस्तिष्क, तीसरा दिया है हृदय, और चौथा दिया है नेत्र। तो इसका सही आंसर आपका बता रहा है मस्तिष्क, मस्तिष्क जो है सो दर्द महसूस नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? जो हम लोग रिमेम्बरिंग करते हैं वो कहाँ पे होती है? तो ये जो है सो आपका सेरिब्रम जो है सो सही आंसर होगा, सेरिब्रम में जो है सो स्मरण करने की क्षमताएं रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का तापकरण, 1 नंबर ऑप्शन दिया है जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, और C नंबर में ऑप्शन है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है मानव शरीर का तापक्रम। तो ये जो है सो मानव शरीर का तापक्रम जो है सो कॉन्स्टेंट रहता है, ना ही सर्दी में बढ़ता है, ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मी में बढ़ता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का टेम्परेचर कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का टेम्परेचर जो है सो हाइपोथैलेमस जो है सो नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं, ठीक है। तो जो प्यास लगता है और परितृप्ति होता है, ये जो है सो मस्तिष्क में किस भाग में अवस्थित हैं? तो ये हाइपोथैलेमस में ही जो है सो अवस्थित होता है, ठीक है, प्यास से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है, 9 नंबर प्रश्न, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, ठीक है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो देखिए आपका दिया है यहाँ पे, 1 नंबर में दिया है 98.4 फ़ारेनहाइट, और बी में दिया है 98 फ़ारेनहाइट, और सी में दिया है 98.8 फ़ारेनहाइट, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि सामान्य मानव शरीर का जो है सो टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट जो है सो होता है, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए जो है सो मानव शरीर का तापक्रम यहाँ आपका ऑप्शन के अनुसार ये कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलिए 10 नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है क्या है? तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 1 में 37 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया है 98 डिग्री सेल्सियस, और सी में दिया है 367 केल्विन, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री से अगर हम लोग सेंटीग्रेड, ठीक है, अगर हम लोग
सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 सेंटीग्रेड हो जाता है सही आंसर, ठीक है। और फॉरेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फॉरेनहाइट हो जाता है, और केल्विन में अगर अगर देखेंगे तो 310 केल्विन हो जाता है। तो ये तीनों जो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये झारखंड पीसीएस में पूछा है 2013 में, ठीक है। तो जितने भी झारखंड के लोग देख रहे हैं देख लीजिए, आपका झारखंड में प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका जो है सो मेडुला ऑब्ला गेटा हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसे प्रायः जो है सो मेडुला भी कहा जाता है, ठीक है, इसे प्रायः मेडुला भी कहा जाता है। और क्या देखिए, इसमें मानव के पश मस्तिष्क या रोमन सेफनल के अंतर्गत मस्तिष्क पूछ या मेडुला ओब्लोंगटा आता है, ठीक है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है, ठीक है। और इस मेडुला की लंबाई लगभग जो है सो 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और यह ऊपर की ओर पोन्स, ठीक है, ये ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना, नीचे में सुषुम्ना से जुड़ा हुआ रहता है। ऊपर में पोन्स से जुड़ा हुआ रहता है और नीचे में सुषुम्ना से जुड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में क्या है, यह भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट की दर, प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है, इत्यादि का नियमन केंद्र होता है मेडुला, ठीक है। चलिए यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे अंतःस्रावी तंत्र लेके, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि अच्छा वीडियो जो है सो नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।